guys, this is me Ankita and welcome back to my channel. I hope you people are doing great and having a great time. So guys, मैं आ गई हूँ एक और नए review के साथ and this time it's a new launch. So guys, मैंने ये lip crayons खरीदे हैं from Sugar. These are their new Good Moody's lip crayon. ये अभी Sugar में launch हुए हैं. I think it's been 3 weeks or 2 weeks. I'm not very sure. But मुझे ये नए दिखे and I was like, let me just try them on और फिर मैं इसका review करती हूँ. So that's why मेरा review उतनी जल्दी नहीं आया. और आई जस्ट गॉट 3 shades. आई गॉट इट इन द शेड गर्ल पावर, बॉस बेब एंड ड्रामा मामा. सो आई गॉट दीज. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली मुझे ये कितने के मिले हैं. एंड दीज रिटेल्स फॉर 599 ईच. ये आपको 599 के मिलते हैं और इसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो होता है 0.7 grams. एंड दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक. इस तरह से आपको आउटर पैकेजिंग मिलेगी. एंड ये एक्चुअली मैंने 3 ऑर्डर किए थे. सो 599 × 3 और उसके साथ मुझे एक्चुअली ये चीज फ्री मिली. दिस इज अ पाउच जो कि Sugar का ही है एंड इट्स अ वेरी नाइस पाउच. इसकी जिप भी काफी अच्छी है. यू कैन इजिली यूज इट फॉर योर यू नो लिपस्टिक रखने के लिए या फिर आप अपने हैंड बैग में आप कोई पाउच रखना चाहते हो. लाइक आई ऑलवेज प्रिफर टू सेग्रीगेट थिंग्स इन माई हैंड बैग एंड यू कैन फाइंड 2-3 pouches ईजिली इन माई हैंड बैग. तो उस टाइप की चीजों के लिए अगर आपको कुछ चाहिए हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक दिस जो कि आपको फ्री मिल जाएगा. एंड आई गॉट दिस ब्यूटिफुल फेस पैलेट जो कि मेरे पास ऑलरेडी है. तो प्रॉब्लम मैं इसको शायद गिव अवे में दे दूँ. सो दिस इज हाउ द फेस पैलेट लुक्स लाइक. इट्स अ ब्रांड न्यू पैलेट जो कि मुझे एब्सोल्यूटली फ्री मिला है एंड दिस रिटेल्स फॉर 799 rupees. बट एक्चुअली ये आपको फ्री मिल जाएगा अगर आप परचेजिंग करोगे 1299 का. आई मीन द ऑफर कीप्स चेंजिंग. हर दिन आपको कुछ अलग मिलता है. एंड Sugar ने तो अभी अपने ब्रशेस भी न्यू लॉन्च कर दिए हैं. वो भी मैंने ऑर्डर किया था. तो अगर आपको देखना है उसका रिव्यू सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि जैसे ही मैं वो रिव्यू डालूँ आपको पता चल जाए. और आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए. सो दिस इज दीज आर द थिंग्स विच आई गॉट फ्री, द फेस पैलेट एंड दिस पाउच. नाउ कमिंग बैक टू लिप क्रेयॉन्स. सो दीज आर द 3 lip crayons जिसकी मैंने 2 की पैकिंग खोल ली है. 1 की पैकिंग मैंने नहीं खोली क्योंकि मुझे आपको कुछ चीजें बतानी थी. इसलिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पैकिंग की, सो इस टाइप की पैकिंग में आपको आता है एंड दीज आर क्रूएल्टी फ्री. आपको सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी. ऑल द डिटेल्स दैट यू वुड वॉन्ट यहाँ आपको सब मिल जाएगा. एंड इसमें साथ ही आपको एक्सपायरी डेट भी मिलेगी. लाइक दिस हैज़ अ लाइफ ऑफ 3 years फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग. जो भी आपको डेट होगी वो आपको यहाँ मिलेगी एक्सपायर्ड और प्राइस के साथ. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्राम्स दैट यू आर गेटिंग वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा. एंड दिस इज हाउ द आउटर बॉक्स लुक लाइक. लाइक इस तरह से. एंड द कलर इज ऑल्सो गिवन राइट हेयर. ये वाला जो कलर है ये दिखेगा. एंड द शेड नंबर इज गिवन लाइक दिस इज 08 बॉस बेब. तो वो आपको दिखेगा. एंड द होल शेड नेम इज रिटन राइट हेयर. इस तरह से होगी आउटर पैकेजिंग. अब मैं बात करती हूँ इसकी इनर पैकेजिंग की. तो फर्स्टली ये तो मैंने खोल लिया है बट अगर आप इसको ना खोलो तो आपको इस तरह की पैकेजिंग मिलेगी विच इज रैप्ड इन अ प्लास्टिक शीट. ये इस तरह की प्लास्टिक शीट में एक रैप होगा. मैं आपको खोल के बताती हूँ. एंड इस प्लास्टिक शीट के ऊपर प्रिंट होगा एक्सपायरी डेट एंड द द एक्सपायरी डेट इज प्रिंटेड ऑन द प्लास्टिक शीट इधर. पर जब आप इस प्लास्टिक शीट को निकाल दोगे देन देर विल बी नो एक्सपायरी डेट ऑन योर लिप क्रेयॉन. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि या तो आप इसका ये वाला पैकेज रखो ताकि आपको पता रहे एक्सपायरी डेट. क्योंकि मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे कहीं ऐसे लिखी हुई अलग से नहीं मिली. एंड इफ यू टेक आउट दिस प्लास्टिक द एक्सपायरी डेट विल बी गॉन. जैसे ये मैंने निकाल दिया एंड सी all the details are here like the price, the amount that you are getting, everything is here. but generally हम इसको रखते नहीं है so it is all gone. so you have to be very very careful जब भी आप इसको use करो. and then these are the lip crayons जो कि आपको मिलेंगे. the shade is mentioned here. इस तरह से आपको शेड मिलेगा. यहाँ जैसे ये न्यूड ब्राउन सा है, ये बेरी काइंड ऑफ शेड है, ये हल्का सा पिंकिश रेडिश काइंड ऑफ शेड है. तो इस तरह से आपको शेड यहाँ मिलेगा बट और कहीं आपको प्रिंट नहीं मिलेगा. एंड दीज आर ऑल्सो स्टिकर्स. तो अगर ये बाहर आ गए द स्टिकर तो देन इट्स अ प्रॉब्लम. तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोडक्ट इट्सेल्फ.
तो मैं आपको दिखाती हूँ हाउ इट गेट्स ओपन. इस तरह से ये ओपन हो जाएगा. दिस इज हाउ यू ओपन द प्रोडक्ट. और इस तरह से ये है एंड दिस इज द फुल साइज ऑफ प्रोडक्ट. आप जब इसको रोटेट करोगे तो ये मिलेगा. इतना अमाउंट आपको मिलता है फॉर 599 रुपीज. सो आई थिंक इट इज अ लिटिल लेस अकॉर्डिंग टू द प्राइस दैट यू आर पेइंग. और ये आपका स्लाइड वाला रहेगा तो आप इसको रोल करो तो खुल जाएगा, रोल बैक करो तो नीचे हो जाएगा. इट्स वेरी वेरी नाइस. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल पुटिंग द कैप क्योंकि ये बहुत बहुत सॉफ्ट फॉर्मूला है. और इतने सॉफ्ट फॉर्मूला के साथ अगर धोखे से आपका ये कैप, जैसे हम लगाते लगाते कभी बीच में ऐसे कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो देन इमीजिएटली आपकी लिपस्टिक स्मैश हो जाएगी टोटली. सो उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. Now coming on to the formula is completely matte. The formula is completely matte and also very very buttery. बहुत ज़्यादा pigmented formula है जैसे कि आप देख सकते हो. आप मैंने आज बहुत ज़्यादा कुछ लगाया नहीं है and this is a mix of this and the nude brown shade क्योंकि वो ही जा रहा था. बहुत ज़्यादा dark अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने नहीं लगाया. So this is the shade of this is 08 boss babe and this is how the swatch looks like. This is nice. Pinkish berry. Actually, I would say it is a mix of fuchsia pink and berry kind of shade. Very very nice. I love this shade. Coming on to the formula, अगर मैं बोलूँ, it's a very comfortable formula. अगर एक बार सूख जाता है, जाता नहीं है. You can definitely see कि transfer भी नहीं हो रहा है. It does smudge a little. Like very very slightly, but it does smudge a little. अगर आप कुछ खाओगे greasy oily, definitely it is going to come off. वो मैं bet लगा के बोल सकती हूँ. But otherwise आप इसको लगा के रखोगे, the color payoff is very nice. It looks very nice. It looks very buttery. It feels very buttery. It is very soft and very nice. I love the formula. But अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो बिल्कुल भी smudge ना हो, एकदम ही dry हो, मतलब एकदम ही हिले डुले ना, तो then this is not for you. Okay? क्योंकि ये transfer नहीं होता है, बट इट डज स्मज. मतलब आप देख रहे हो जब ये सूख गया और ये उतना ट्रांसफर नहीं होगा, बट इफ यू सी इट डज स्मज अ लिटिल, तो वो चीज इसमें होती है. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नेक्स्ट शेड विच इज द गर्ल पार 09 विच इज अ नाइस ब्राउन शेड अकॉर्डिंग टू मी. आई लव दिस ब्राउन न्यूड कलर, तो इसलिए मुझे ये शेड बहुत प्यारा लगा. This is how the shade looks like. It's a beautiful, beautiful brown nude color. Perfect for this is a perfect nude for people who have skin tone like me, like wheatish skin tone. Wheatish से आप कह सकते हो, थोड़ा सा bright हो, medium type of skin tone के लिए ये perfect nude है. और बहुत 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 अच्छा लगता है if you wear it on a daily basis. It's a perfect office color also if you don't want to look too loud, तो भी बहुत अच्छा है. Then I have another shade which is 1-2-3. Then I have another shade which is 10 Drama Mama. This is one of the most dark shade in the slot and this is somewhere like आपने अभी देखा, मैंने आपको बोला था कि ये बहुत buttery soft है and this is the shade that I just opened the plastic and you can see it has broke down क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा you know press कर दिया. So you have to be very careful because it is very pigmented and very very soft. देखा कि वो टूट गया था and this is Drama Mama which is very close to wine red and that kind of shade. आप देख सकते हो these are the shades. वेरी सॉफ्ट. आपने अभी अभी देखा कि टूट गया क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा के लगा दिया था. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप बहुत थोड़ा सा निकालो और उसी में लगाओ बिकॉज इट्स वेरी पिगमेंटेड, तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत भी नहीं है. सो दीज आर द शेड्स. दिस इज बॉस बेब 08, दिस इज 09 गर्ल पार एंड दिस इज द फर्स्ट शेड 01 ड्रामा मामा. आई लव दीज लिपस्टिक्स बट द थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. जस्ट थोड़ा सा रोल करना एंड जब थोड़ा सा आ जाए तब उसको लगा लेना एंड देन इट इज नॉट गोइंग टू स्मज एट ऑल. दीज आर द शेड. देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ शेड जो कि इसमें लॉन्च हुए हैं. मैंने सिर्फ 3 लिए बिकॉज 599 इज I would not say it's very expensive, but it's not that cheap also. So yeah, that was it from my side. I hope you people liked it. I have tried to give you a detailed review about the packaging, about the formula, about the staying power. It is going to be in your lips for good 6-8 hours. आप कहीं को कुछ नहीं करना आपको. It's वेरी वेरी नाइस. अगर आप इसको स्ट्रे करने दो, इसको प्रॉपर सूखने दो एंड वो भी ड्राई होने के लिए इट विल टेक हार्डली आई वुड से
30 seconds, 30 to 45 seconds is enough, and I think it looks very nice. The pigmentation is great. According to me, I would say it's a great, great, great lip crayon. But I would say ki isme hona chahiye tha. I would have appreciated agar isme print hi hota. You know, like jo bhi color ka print hai, agar wahi hota, to then it would be great. Ya to us color ka print hota. Nonetheless, I like the lipstick, and this was my honest review. What I have felt. I hope आप लोग को ये पसंद आया होगा, and if you did so, then please subscribe to my channel, hit the like button. I will provide you the link in the description box जहाँ से आप जाके ये easily ले सकते हैं, and that's it. I hope you liked this video, and if you did so, please subscribe to my channel. मैं आपसे मिलती हूँ एक और नए video के साथ. Till then, this is me, Ankita Singh. Good night. Ta-da.